हेलो गाइज, अ ग्रैंड वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिकविंग का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के बारे में। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, MBBS के लिए रिप्यूटेड कॉलेज है नो डाउट। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जो कोटा होता है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। 2020 में क्या कट ऑफ था, 2021 में मिनिमम कितना मार्क्स या फिर कितना स्कोर चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, राइट। NRI कोटा इसमें है या नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MBBS प्रोग्राम के लिए इस छोटे से वीडियो में। सो गाइज, अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये ब्रॉशर है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बैचलर्स डिग्री कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और ये गाइड टू एडमिशन ब्रॉशर है 2021-22 का, राइट। यहाँ पर MBBS के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि 10+2 वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए, एग्जैक्टली वही होना चाहिए, राइट। 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एन एग्जामिनेशन रिकग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी एज इट्स इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, राइट। 50% का एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए एडमिशन के लिए AMU में MBBS के लिए। और जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एन एग्जामिनेशन रिकग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी, यानी ये बात है रिजर्वेशन के ऊपर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, BHU में 100% जो सीट होती है उसका अलॉटमेंट DGHS करती है, यानी MCC के थ्रू काउंसलिंग होता है। AMU में 50% जो है वो इंटरनल कोटा होता है और 50% ओपन कैंडिडेट्स के लिए होता है, राइट। यानी 50% जो सीट्स हैं वो फिल होंगी AMU इंटरनल कैंडिडेट से, राइट। काउंसलिंग हालांकि MCC करेगी, और बाकी के जो 50% है सीट्स हैं उसमें ओपन कैटेगरी से एडमिशन होगा, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, राइट। सो ये दो तरीके का यहाँ पर रिजर्वेशन है, 50-50% सीट का। और इसमें जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं उनको कौन से वो कैंडिडेट होते हैं जिनको कि इंटरनल कहा जाता है, गाइस AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो रिकग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होना चाहिए। जब भी आप विजिट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको AMU स्कूल का एक सेक्शन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं AMU स्कूल्स, STS स्कूल, AMU सिटी स्कूल, AMU गर्ल्स स्कूल, उसके बाद सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, राइट। यानी ये जो स्कूल्स हैं ये AMU के थ्रू रन होते हैं, यानी यहाँ से अगर कैंडिडेट ने 10+2 किया है, राइट, और ये पिछले 3 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी 3 साल पहले का नहीं होना चाहिए, यानी अगर 2021 में वो कैंडिडेट MBBS में एडमिशन चाहता है AMU के कॉलेज में इंटरनल कोटा के साथ, देन उसका जो 10+2 होना चाहिए वो नॉट लेस देन 3 ईयर्स बिफोर उसका नहीं होना चाहिए, राइट। और वो होना चाहिए इन सारे स्कूल से या फिर एक ऐसा स्कूल जो रिकग्नाइज्ड हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अभी जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं इनका एडमिशन इंटरनल कोटा के थ्रू कैसे होता है, MCC पर जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं इंटरनल कोटा के लिए, क्योंकि काउंसलिंग MCC के थ्रू होगी, राइट। सो MCC पर जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे उन कैंडिडेट की लिस्ट MCC शेयर करेगा AMU अथॉरिटी से। AMU जब उसको फाइनलाइज करके वापस भेजेगा MCC के पास, देन उनमें से मेरिट के बेसिस पर अलॉटमेंट करेगा MCC, राइट। सो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, तीनों राउंड में AMU की काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू होती है, राइट। और 2020 में तीनों राउंड की जब काउंसलिंग हो गई थी, देन उसके बाद क्या रिजल्ट था और क्या अलॉटमेंट था, गाइस ये आपके सामने है। ये है अलीगढ़ ओपन कैटेगरी की, राइट। ओपन कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट का लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 4816th रैंक पर और इनके मार्क्स थे 645, ओके। OBC का हुआ था 645 पे, EWS 644, जनरल PWD 443, EWS PWD 428 और OBC PWD का हुआ था 384 मार्क्स पे, करेक्ट। अगर हम AMU इंटरनल कैंडिडेट की बात करें, देन इंटरनल कैंडिडेट का AMU में 9451 रैंक, ऑल इंडिया रैंक थे इनकी और इनके मार्क्स थे 627, राइट। AMU 9000
800 06 ओबीसी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रैंक, और इनके मार्क्स थे 626। जनरल के लिए था 624, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 216 और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए था 167 मार्क्स इन 2020 आफ्टर ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं उनका कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरनल कैंडिडेट्स में कम होते हैं तो उतना कंपटीशन वहाँ पे नहीं होगा, और जो ओपन कैंडिडेट है वहाँ पर ये मार्क्स ये हाई चला जाता है, राइट। तो ओपन जो कैंडिडेट थे उनके लिए था 645 जनरल के लिए, और इंटरनल कैंडिडेट के लिए था 627। एएमयू एनआरआई कैंडिडेट, राइट, एनआरआई का कोटा है एएमयू में, और एएमयू एनआरआई के जो कैंडिडेट थे उनका जो एडमिशन लास्ट हुआ था टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल ये 7 स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन हुआ था 2020 में इस कॉलेज में एनआरआई कोटा के थ्रू, राइट, एएमयू एनआरआई कोटा। और यहाँ पर जो लास्ट एडमिशन हुआ था ये हुआ था 30,959 रैंक होल्डर को, और इनके मार्क्स थे 579। बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स थे इनके हायर रैंक थी, इनके मार्क्स यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग लास्ट मार्क जो रिक्वायर्ड था उसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस। सो ये अलीगढ़ ओपन, अलीगढ़ इंटरनल और जो एनआरआई कोटा था इसके बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं एएमयू के बारे में, आपका कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिडकविंग का ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ की जो पीडीएफ है वो वहाँ पर, पीडीएफ का कोर्स है, आप चाहें तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जिनको कि आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं मेडकविंग के ऐप पर, आज ही डाउनलोड कीजिए, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। सो गाइज, हाउ वाज दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।